हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडमली बाय रजत। तो यार आज हम डिस्कस करेंगे थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, जो कि खालिद हुसैन ने लिखी है। द बुक मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ अफगानिस्तान टू इंडिपेंडेंस एंड वुमेन ऑपरेशन। आई होप यू विल एंजॉय द डिस्कशन। हाँ, तो ओवरऑल ओवरऑल मेरे को जो बुक लगी, मतलब जो स्टोरी थी, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ थी इसमें। मतलब वुमेन्स रिलेटेड था और वॉर से रिलेटेड था, और जो इमोशनल एस्पेक्ट थे वो तो अलग ही थी। उनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और मतलब तो जिस तरह से स्टार्टिंग एंड मतलब सारी चीजें मुझे इसकी ओवरऑल अच्छी लगी। कुछ कुछ चीजें मुझे लगा कि जो थोड़ी ज्यादा कर दी गई है उसमें, मतलब जो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगी कुछ 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 चीजें। उनमें से एक चीज थी, जैसे कि उनमें से एक चीज थी जो लैला थी ना, मतलब जब स्टार्टिंग में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो तब वो 11 साल की बच्ची थी। तो 11 साल की बच्ची जिस तरह से बातें, जितनी मैच्योर बातें कर रही थी, वो मुझे नहीं लगा कि मतलब वो रियलिटी में होता है, क्योंकि 11 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है। तो वो वाली बात मुझे थोड़ी वहां पे लगी थी। और तो बाकी ओवरऑल काफी सैड है ही, नो डाउट, बहुत सैड है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कैरेक्टर्स ऐसे लगे हो कि खुश हैं। एक पॉइंट पर ठीक है, खुश थे वो, एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, मतलब ठीक है, कुछ अच्छा होगा। पर थोड़ा सा आगे पढ़ो, थोड़े से पेजेस के बाद पता चल रहा था कि वो तो और बेकार हो गया। अगर उसका 50% भी कहीं हो रहा है ना, तो बहुत ही बुरा हो रहा है यार। 50% से ज्यादा होगा, मतलब हाँ, मतलब बहुत ही खालिद हुसैन की मेनली रियल स्टोरी जो है उस पे बेस्ड होती हाँ। ही है, मतलब मोस्टली। हाँ, और अफगानिस्तान और कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा है ना। मतलब जिस तरह से दिखाया गया और सिचुएशंस, और मेरे को सबसे अच्छी चीज, मतलब जो सबसे पहली चीज मैंने बुक में पढ़ी थी वो यही थी कि जो खालिद हुसैन ने जो बुक है वो डेडिकेटेड करी है अफगानिस्तान की वुमेन्स के लिए। तो मुझे लगा कि ये मतलब जरूरी था, करना जरूरी था। और जिस तरह से वो उनके इश्यूज को इतने इमोशनल उसके साथ स्टोरी के साथ प्रेजेंट करा है, रीडर काफी अच्छे से बना। मैं जो स्टार्ट करता हूँ पहले कैरेक्टर से, है ना, मतलब जो उसकी मम्मी का कैरेक्टर है ना, तो उसकी मम्मी का कैरेक्टर के कैरेक्टर से जो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है कि उनका बच्चा कहीं फेल ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पे सक्सेस चाहे कम हो पर फेलियर बिल्कुल ना हो, है ना। उनका मोटिव ये है कि भाई ठीक है, तू 10 रुपए कम कमा ले पर हम तुझे फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते। चाहे हो सकता है जिस चीज में तू अच्छा हो या मतलब तुम अच्छे हो, उस चीज में तुम ज्यादा खुश रहो और हो सकता है कि उसमें तुम ज्यादा पैसे भी कमा लो, पर उन्होंने जो दुनिया देखने की वजह से एक पैरामीटर तैयार किया है कि भाई मतलब दुनिया बहुत खराब है, तो तुम्हें अगर अपने बच्चे को बचा के चलना है तो ये वाला रास्ता बहुत सही है। जैसे कि इंडिया में देखेगी तो इंजीनियरिंग है ना, कि शायद ये वाला रास्ता ऐसा है, इसमें फेलियर्स कम है और ठीक ठाक जॉब लग जाती है तो बच्चे को फेलियर्स कम देखने पड़ेंगे, है ना। वही चीज देख तू मतलब उसकी मम्मी के केस में देख, उसने देखा कि मतलब लोगों ने उसके साथ किस तरह बिहेव किया, है ना। वो सारी चीजें हमें तो पता भी नहीं है कि उसकी मम्मी के साथ क्या क्या हुआ है ना, तो वो साफ दिखता है उसकी मम्मी की मतलब जो भी बातें होती हैं, जो भी उसने लिखा है बुक में, कि भाई मतलब उन्होंने देखा है कि बहुत ज्यादा दुनिया ने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, इसीलिए वो बचाना चाह रही है उसे, कहीं बाहर नहीं दे रही, बाहर जाने नहीं दे रही, है ना। यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाने दे रही उसे, कि उसे लग रहा है कि स्कूल जाएगी तो मतलब उसे बच्चे वो हरामी बोलने लगेंगे, वो सारी चीजें बोलने लगेंगे, तो उसे मतलब इसे कहते हैं कि एक तरह से कि वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है कि वो कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस के बीच में आ गई है वो कहीं, है ना। इसीलिए वो बच्चा हाँ, फिर वो हेट करने लग जाता है ना, जो हमारे साथ भी होता है कि हाँ, अरे नहीं तुम्हें क्या पता है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, है ना। वही उसके केस में भी है,
इसीलिए वो लड़ रही है हमेशा, है ना, उसे लग रहा है कि मम्मी मेरा हाँ गलत चाह रही है, पर उन्होंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मैंने दुनिया ज्यादा देखी है ना, और इसीलिए मुझे पता है कि ये लोग जो देखी तुम्हें दिखा रहे हैं कि बहुत प्यार करते हैं, ये सच्ची में 1 मिनट नहीं लगेगा इन्हें चेंज होने में। यूजली हर रिलेशन में होता है ना कि हम कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा वो होती है, इम्पोर्टेंट होती है, हम उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बनने लग जाते कि नहीं भाई प्रोटेक्ट हमें पता है ये चीज गलत है तुम मत करो। तो सामने वाले की बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, या जो रिलेशनशिप में दूसरा इंसान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो करने फिर वो उसकी इंडिपेंडेंस की, यार ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, कोई बात नहीं मैं देख लेता, है ना, जो होगा देखा जाएगा। की। हाँ, ये वाली चीज थी। और अगर इसमें देखा जाए तो जो मरियम थी जब बच्ची थी तो अपनी जगह पे वो गलत नहीं थी, हाँ क्योंकि उसके पापा ने उसको दिखाया ही है सिर्फ, हाँ तो वही उसको वही चीज लग रही थी। और जो उसकी मम्मी थी वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी, वो हाँ तो एंड निकली गलत, दोनों में से कोई नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट दोनों में जो रहा वो हाँ मतलब जिस तरह से खत्म, हाँ जिस तरह से हुआ वो वो बहुत बहुत सैड ही था। सैड था। हाँ, मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछने ही वाली थी कि इसमें इतने सारे मतलब हर जगह बहुत सारे हैं, तो कौन सा ऐसा था जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करा, या कौन सा ऐसा था जो सबसे ज्यादा जिससे बहुत दुख हुआ कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। यार बहुत मतलब तो बहुत सारे यार कुछ इवेंट्स थे ना जहाँ पे मुझे लगा था कि ठीक हाँ है शायद ये चीजें होने वाली हैं, जो राशिद ने उसके साथ बिहेव किया, तो वहां तक आते आते लगने लगा था कि ये बेकार इंसान है, नेगेटिव कैरेक्टर है, वो मारता है उसे, है ना, वो सारी चीजें होने वाली हैं, वो लगने लगा था, है ना। पर जैसे मम्मी की डेथ हो जाना उसकी, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और वो उसने बहुत हिंट, हाँ अनएक्सपेक्टेड उसने हिंट था। दिया है, वो जाते जाते वो बोलती है कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मेरा तुम्हारे मतलब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और उस समय तक कोई हम सोच नहीं। रहे हैं कि ठीक है यार ऐसे ही बोल दिया होगा, और वो भाई बहुत हाँ, ही ज्यादा था। और मतलब वो वाला मोमेंट जब वो लास्ट टाइम निकल रही थी अपने घर से, तो वो स्पेशली देखती है कि उसकी मम्मी उसको देखे ना, मतलब हाँ उसको उसकी मम्मी बैठी हुई दिखी, पर वो इस चीज का खास ध्यान रखती कि वो उसकी मम्मी की नजर उस पर ना पड़े। और जब वो वापस आती है तो तब वही उसकी कोशिश, मतलब हाँ लास्ट यार टाइम में तो बहुत सारे हुए थे। और जो मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा लगा कि नहीं होना चाहिए था वो यही था कि मतलब मरियम की हाँ मम्मी नहीं मरनी चाहिए थी। हाँ वो और बहुत ये चीज समझ में भी नहीं आई कि मतलब ठीक है वो इतना प्यार करती थी, उसको रियलिटी पता थी, तो उसने मतलब क्यों अपने आप को खत्म कर लिया मतलब। अरे उसने जो ना क्या है वो कैरेक्टर जो है ना, मतलब जैसे खलीद उसीरी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया है ना, वो ज्यादा नहीं बताया उसने उस कैरेक्टर के बारे में, तो हमें ये भी हाँ नहीं पता मतलब कि बहुत कम। हाँ कि जिन वाली बात बताता है कि जिन आ जाता है ना। हाँ प्रॉब्लम क्या है कि तुम अब तुम रेस्पॉन्सिबल हो, जब तुम मतलब वो मर गई तो उसके मतलब, क्योंकि क्या है कि उसकी लाइफ में तो सारी सैड चीजें हुई, पर अगर तू सोच सैड चीजें ना भी हो तब उसके दिमाग में पूरी लाइफ चलेगा कि उसकी वजह से वो हुआ है ना, उसके वजह उसकी, से वो वो हुआ बहुत ही है। ज्यादा पेनफुल चीज है ना कि तुम भूल भी नहीं सकते कि यार मतलब मैंने एक गलती कर दी। हाँ और मतलब वो जो जिन वाली बात करने आई थी, तो मुझे लगा था कि आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका लिंक होगा। हाँ और क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसकी जो मम्मी थी वो तो लग रही थी नेगेटिव, मतलब जिस तरह से उसके हाँ पापा को पोर्ट्रे किया गया था इस हाँ बुक की। एक मेन बात जो मेरे को लगी ना, सडननेस, मतलब कुछ भी हो जा रहा है ना, हाँ मतलब हाँ कभी कभी लग रहा था कि अचानक ये गलत से बात है कि भाई ऐसे तो इतनी सडननेस तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सडननेस थी। मतलब एक वो तब तक उसके पापा लग रहे थे कि नहीं मम्मी हाँ गलत है पापा सही होंगे, हाँ और फिर जैसे ही वो तो पापा का एकदम इतना नेगेटिव कैरेक्टर लग गया। और एक चीज मुझे जो लगी कि जो मरियम मतलब एंड जब चली गई थी वहाँ का काबुल के लिए, जब वो निकल गई थी हाँ उस टाइम, वो अपने पापा से भी बोलती है ना कि तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं लास्ट टाइम वो जो मौलाना थे उनसे मिल लूँ। हाँ रहा था कि बाद में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मतलब मिलेगी, मिल पाएगी, पर वो चीज हुई नहीं। और वो जलील का कैरेक्टर यार बहुत ही खराब है, मतलब वो शायद मुझे सबसे बेकार इंसान लगा वो। हाँ क्योंकि उसके पास जो ना कंट्रोल था है ना,
वो चाह सकता चाहता तो बचा सकता था उसे, है ना। हाँ उसे पता भी था कि राशिद कैसा इंसान है, उसे सब पता था, फिर भी उसने वो सारी चीजें कही ना। और जो जब वो लेटर मिलता है ना लास्ट में, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसमें भी, बस वही बता रहा होता है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे बच्चे मर गए। मतलब लेटर का फर्स्ट पार्ट में यही है कि मेरे बच्चे मर गए और उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हो रहा है। वो मुझे सब मतलब बिल्कुल घटिया लेटर लगा। उसमें रियलाइजेशन का फिर कोई मतलब नहीं था ना। हाँ मतलब वो एक चीज जो मेरे को लगी थी कि मतलब सॉरी जो है सबसे यूजलेस वर्ड है, तो मुझे भी मतलब लगा अब तुम उसको ये सब बता रहे हो तो अब इसका क्या, उसने तो जो सफर करना था वो तो कर लिया, अब हाँ तुम्हारे उसकी वजह से तो तुम्हारे लेटर या तुम्हारे सॉरी या जो भी तुम बताना चाह रहे हो उससे तो उसने जो पेन करा है जो फील करा है वो तो सही नहीं होने वाला है, और तो रियल वर्ल्ड में चलेगी सर एक्सेप्टिंग नहीं नहीं होती होती, सॉरी। है, नहीं हाँ होती है, बोलना बहुत सही कहा। भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं बोलना चाहिए, सबसे हाँ वो यूजलेस जलील वर्ड वाला कैरेक्टर है। यार बहुत ही बेकार है। मतलब एक तो इतना पॉजिटिव पोर्ट्रे किया गया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद वो चीजें पता चलना हाँ ना, तो वो बहुत ही। और रशीद का ये था कि स्टार्टिंग से वो था कहीं ना कहीं वो था ही नेगेटिव हाँ ही था, हाँ वो तो नेगेटिव ही पर था। उसने जो किया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हाँ था। वो तो बहुत ही यार मतलब सब। बाद में जब उसने हाँ लैला को बचाया तो मुझे लगा कि हाँ शायद मतलब ठीक है हाँ वो केयर करेगा, और उस वक्त एक थॉट ये भी आया था कि हो सकता है आगे चल के ये अपने फायदे की वजह से उसको बचा रहा है, हाँ और हुआ भी यही। हाँ यार वो बहुत ही गंदा कैरेक्टर है भाई। मतलब वो कितने गलत हो सकते हैं, मतलब इमेजिन कर, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम कि लोग मतलब इस लेवल तक जा सकते हैं, और उसके बाद भी उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा या कुछ वो कोई नहीं हो रहा। वो नहीं है, मतलब मरियम का एक चीज मेरे को जो बहुत बेकार लगी कि स्टार्टिंग में जिस तरह से वो दिखाई गई थी 5 साल की बच्ची जब दिखाई गई थी, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि आगे जा करके कहीं ना कहीं ये इस मतलब स्टोरी की जो है लीड यही बनेगी, हाँ मतलब जो हीरो टाइप वो लग रही थी, हाँ बट एंड में तो सबसे ज्यादा वो सफरर बनी, सबसे ज्यादा हाँ तो उसी ने सफर करा, और हाँ सबसे बेकार चीज थी कि वो अपने लिए उठी हाँ वो मतलब कभी खड़ी नहीं होती यार अपने लिए, मतलब। एक्सपेक्ट नहीं हाँ की, वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे हाँ कहीं तो खड़ी होती ना, मतलब कोई जो भी मतलब ऐसा। हर चीज वो मानती थी, हाँ वो भी कर सकती थी, मतलब थे काफी जगह थे वो हाँ भाग सकती थी अपने पापा के घर से या फिर हाँ अपने भाई घर मैं तो, मुझे तो पहला थॉट यही आया था भाग कि ये भाग जाएगी, ये मतलब कल सुबह तक ये पक्का भाग जाएगी। और मुझे तो लगा था कि वो मौलाना जो है वो बचा लेगा, शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा। होता सकती ही नहीं यार, ट्राई ही नहीं कर दिया वो। थी। और वैसे देखा जाए तो तेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर, मतलब फेवरेट नहीं जो कैरेक्टर ज्यादा मतलब तुझे देख लगा वो कौन था मैं तुझे देख एक जिसके लिए चीज, ज्यादा सिंपैथी फील एक हुई? चीज बताता हूँ कि देख, हाँ मरियम और जो लैला है उन दोनों के साथ सेम चीजें हुई हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ी बहुत आगे मतलब प्लस हाँ माइनस है ना, पर दोनों के साथ सेम चीजें हुई हैं। पर लैला के केस में हर मोमेंट पे उसने डिसाइड किया है ना। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो समवेयर डीप डाउन उसी ने डिसाइड किया है कि मैं ऐसे करके यहाँ से निकल जाऊंगी, है ना। वो चीज मुझे बहुत मतलब हाँ कि भाई इतना करेज है ना, कि मतलब उसे पता है कि वो तारिक के बच्चे की मतलब वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। वो भाई हाँ इतना वो करेज भाई। मरियम की पहले उसके लिए स्टार्टिंग से दिखाई गई थी और इंट्रोड्यूस किया गया था, हाँ और लैला को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो दोनों चीजें दिखाई गई हैं दोनों का बचपन किस तरह से बीता था, हाँ तो हाँ इसमें जो उसके जब बचपन दिखाया जा रहा था तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह से लैला एक अलग सेक्शन है और जो मरियम है वो एक अलग सेक्शन है, हाँ और मुझे जो लैला के पापा ने जो स्टैंड लिया था उसके लिए हाँ जो वो चीज सबसे अच्छी लगी, मतलब अगर देखा हाँ जाए ना सबसे अच्छा आदमी मुझे हाँ लैला के वही पापा बस लगे। वही। और वो दिखाता है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना कहीं हाँ कहीं। एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और हाँ हाँ तो ये वाली बात आ रही थी कि लैला और मरियम दोनों मतलब दोनों के साथ
सेम चीजें हुई थी, पर दोनों ने अपना स्टैंड जो लिया उसमें हाँ डिफरेंस था। तो हाँ एक तरह से जो राइटर है उसमें भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हाँ मतलब लैला ने अपना स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि उसको पता थी वो चीजें, वो अवेयर है उन हाँ चीजों की, हाँ उसको ऐसी बैकग्राउंड मिला। हाँ और मरियम को क्या मतलब, वो कभी स्कूल नहीं गई, जितना भी हाँ पढ़ा उसने कुरान वगैरह, मतलब हाँ वो कभी बड़ा घर पे पढ़ रहा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब एक नए तरीके से जो दिखाने की कोशिश की गई कि एजुकेशन कितनी ज्यादा मैटर करती है, तो ये हाँ वाली चीज इस तरह से दिखाई गई है, काफी अच्छी है। हाँ और देख, मतलब पढ़ते हुए फील होता है। हाँ देख, अगर मैं तुझे मान ले आज मैं तुझे अमेरिका भेज दूँ, है ना, और हाँ तू 2 महीने बाद अमेरिका से वापस आए, तो तुझे पता चलेगा कि कितने सारे राइट्स तेरे नहीं है, तेरे पास है ना, तुझे पता ही नहीं है कि ये हाँ वाले राइट्स मुझे मिलने चाहिए, है ना। बहुत बार क्या हो जाता है, हम अवेयर ही नहीं है कि ये वाला, ये तो भाई मतलब मुझे मिलना चाहिए था। यूजली क्या होता है, जब तुम छोटे होते हो तो तुम उस चीज का ट्राई करते हो और तुमसे बोल दिया जाता है कि ये चीज गलत है ना। उसके बाद या तो तुम्हें पता ही, हाँ तुमने कभी पूछा ही नहीं कि ये चीज गलत क्यों है ना, या फिर तुम जब 20-25 साल बाद पूछते हो, एक दिन सोचते हो कि यार ये चीज गलत क्यों है ना, और जब तक मतलब टाइम बहुत ज्यादा जा चुका होता है, तो वही कि तुम, हमें पता भी नहीं होता कभी कभी। हाँ, हमारे राइट्स जो है हमें पता भी नहीं है, इसीलिए जो प्रोटेस्ट होते हैं और ये सारी चीजें जो है ना, ये यार बहुत ही जरूरी है। वही देख, बहुत जरूरी है। अब अफगानिस्तान वाला देख, जो पॉलीगैमी वाली बात है ना, तू देख वहां पे ऐसा था कि एक आदमी है और एटलीस्ट 3 या 4 औरतें थी उसके पास, है ना। तो अगर तू उनके दिमाग में ये आइडिया, हाँ अगर तू उनके दिमाग में ये आइडिया डाल दे कि भाई तुम्हारे भी राइट्स हैं, तो अगर वो सारी औरतें ही अगर रोड पे आ जाएं तो भाई कितना चेंज आ सकता है। वो अब बस इतना आइडिया डाल दे, पर क्या है उनके दिमाग में ये मतलब बचपन से ही, मतलब जब से बाय बर्थ ये डाल दिया है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है, तुम्हारे लिए है ही नहीं, है ना। तो वो कि बच्चे के दिमाग में जो डाल दिया, वो क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है ना कि ये तो मेरा राइट है या नहीं है, क्योंकि अबे वो स्टार्टिंग में वो 2 औरतें हो जाती हैं और वो अकेला होता है ना, वो तब भी मार सकती है भाई, वो खाने में कुछ भी मिला के दे सकती है। मैं इतने हाँ सारे आइडिया सोच रहा था, तब भी मार सकती। हाँ, पर सच्ची में मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही थी कि अरे वो हाँ तो इंसिडेंट है ना जिसमें वो चावल 5 मिनट उबालती है, उसके बाद वो उसके मतलब पत्थर खिला देता है, उसके मुंह में पत्थर डाल देता हाँ है, और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि पत्थर भाई खिला तू, देता और दांत टूट जाते हाँ तू हैं। जा भाई केसीएल लेके आ और कल को बना के खिला दे इसे। पर वो कुछ स्टैंड ही नहीं लेती है। उसने स्टैंड ही नहीं लिया, कहीं नहीं लिया। और अभी जो तुमने ये बात करी कि मतलब उनके दिमाग में स्टार्टिंग से डाल दी जाती है, हाँ तो हाँ ये चीज है। जब हाँ मतलब ये चीज मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि किसी कोई इंसान कब प्रोटेस्ट करता है, कब वो करता है, जब उसे पता चल रहा हो कि उसके साथ गलत गलत हो हो रहा रहा है। है, पर जब मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल वो कंट्रोल है जिसमें आपको पता ही नहीं कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, तो आप हाँ प्रोटेस्ट क्या करोगे, आप उसके हाँ अगेंस्ट क्या करोगे। तो जैसे हम सोशल मीडिया बोलते हैं। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे भी हुई ना, कि मतलब उन लोगों को पता भी नहीं है कि उनको इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, उनके दिमाग में ही ये चीज बैठा हाँ दी गई है, मतलब इतने डीप लेवल पे। तो वो उस चीज को ऑब्जेक्ट भी नहीं कर, मतलब नहीं हाँ करती है उस चीज पे, कोई ऑब्जेक्शन करती ही नहीं है। यार लैला का जो कैरेक्टर है ना यार, वो ऐसा है ना कि वो और मरियम हमेशा तुम अपनी रियल लाइफ में भी कंपेयर कर सकते हो कि भाई हमेशा मतलब कि वही है कि सेम चीजें हो रही हैं, पर दोनों का रिजल्ट जो है अलग मिल रहा है, क्योंकि उसने हर मोमेंट पे सेक्रीफाइस किया है, और इनडायरेक्टली वो मतलब परेशान तो वो भी है, मरियम भी है ना, हर उस खराब इंसिडेंट से वो भी जाती है। पर वही लैला के पास एक प्लान है ना, कि मैं इसके बाद ये कर लूंगी, कोई बात नहीं ये हो गया तो ये कर लूंगी, है ना। वो पैसे इकट्ठे करती है, उसकी जेब में से पैसे चुराती है, अपनी उंगली काट लेती है ना, खून लगा देती है बेड पे, ताकि उसे भरोसा हो तारिक मतलब उसका लड़की बच्चा का है। वर्जिन थी। हाँ, तो हाँ कि वो उसी का बच्चा है। छोटी छोटी चीजें जो है ना यार, रियली में देयर इज अ प्रोटेस्ट हर जगह पे, छोटी छोटी चीजों में, कि वो भागना वहां से है ना, उसके बाद में वो मरियम को मार रहा होता है तो भी उसे बचाती है वो एक बार, है ना। तो हर जगह प्रोटेस्ट है कि हाँ कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूं, है ना।
तो वो चीज काफी है। हाँ वो मतलब होप है उसको, हाँ ये वाली चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि तूने ये चीज नोटिस करी, और उसको जैसे प्रोटेस्ट के मतलब एक हाँ प्रोटेस्ट वाली चीज कही, ये डिस्कशन मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब मैंने ये वाला पॉइंट सोचा नहीं था, बस हाँ मेरे को ये लग रहा था कि ठीक है वो मतलब अपने आप को बचा रही है अपने आप को रोक रही है, हाँ पर ये प्रोटेस्ट वाला आइडिया अच्छा था। क्योंकि क्या है कि उनके पास तू और चॉइस भी नहीं है। क्या है कि उन्हें ही पता है कि वॉर कुछ वॉर चल रहा है ना। इनडायरेक्टली राशिद की वजह से वो बच भी, मतलब एक तरह से उन्हें पता है कि अभी सर्वाइवल के लिए हमें उसकी जरूरत हाँ है, बट इसीलिए उसने अपने बच्चे को और अपने आप को बचाने के लिए वो हाँ कर देती है ना, वरना वो कहीं और भी जा सकती थी। पर प्रॉब्लम वही है कि वो हाँ कहीं भी बाहर जाएगी कहीं तो और वो भी लोग जा सकती थी। मार देंगे वो लोग, है ना। तो और हाँ, और राशिद भी तो मतलब उसको कन्विंस करने के लिए, जिस तरह से वो हाँ मरियम यार, को कन्विंस करता है ना, हाँ वो चीज मतलब तुम देख लो, तुम्हारे पापा के भी तो 3 वाइफ हैं, मैं जितने भी आदमियों को जानता हूँ हाँ सबकी एक से ज्यादा वाइफ है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है भी तो यू डोंट हैव ऑप्शन। मतलब वो हाँ उसको पूछ नहीं रहा है, वो उसको हाँ बता रहा है, और उसने भी यही रीजन दिया ना कि मतलब ठीक है तुम कहती हो मैं इसको जाने देता हूँ, पर ज्यादा हाँ दूर नहीं जा बाहर, पाएगी। हाँ वही। उसमें लास्ट लाइन भी है कि जो भी चीज उसने बोली वो उसे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि हर बात वो सच है। वो बाहर जाएगी तो उसे वो वैसे ही मार देंगे, है ना, वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। वो सब कुछ हाँ सच है कि मतलब तो वो मतलब बोलता है ना ऐसे कि बाहर अगर किसी भी औरत को तुम बोलोगी तो वो खून कर देगी तुम्हारा मुझे पाने के लिए। वो बहुत हरामी था हाँ, वो यार ये वो। चीज कहते हैं कि तुम, हाँ कि तुम्हें पता है कि वीडियोस सड़कों पे सो रही हैं हाँ उनके पास, हाँ तुम्हें मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं हूँ। हाँ और मतलब वो जो इस चीज को जिस तरह से पोर्ट्रे करता है कि वो लैला से शादी करके मतलब कितना महान काम करता हाँ है, वो कहता भी हाँ था कि इसके लिए तो मुझे प्राइज मिलना चाहिए, तो हाँ वही, हाँ मतलब ये जो बहुत ही बेकार। और मतलब सीरियसली क्या कहूँ मैं, हाँ वही मैं मुझे यही पूछना चाहता हूँ। सबसे तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, मतलब मतलब हर स्टार्टिंग से लेके जितनी भी वुमेन मतलब इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है हाँ मरियम की मम्मी का तो ठीक है था ही, हाँ मतलब था मरियम के साथ, नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा, उसके साथ भी हो गया, हाँ और लैला के साथ तो बिल्कुल नहीं लगा था, जिस तरह हाँ उसके पापा इतने सपोर्टिव हाँ थे, और उसकी फ्रेंड्स भी तो कहती है कि हाँ मतलब हम मतलब तुम्हें देखेंगे हाँ न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर वो में। बहुत अच्छा मूवी भी मतलब वो दिखाई गई है, जो भी कैरेक्टर्स जो फीमेल कैरेक्टर प्रेजेंट की गई है, तो हर कैरेक्टर अलग अलग है, और हर हाँ सिचुएशन में वो मतलब ऑप्रेस्ड है, हर सिचुएशन में वो हाँ सफरर है, तो हाँ एक तरह से देखा जाए तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे डिफरेंसेस कितने भी हो, हाँ एक चीज तुम्हें साथ में कर रही है, और वो यही है कि हाँ तुम जो चीज फेस कर रहे हो, तुम्हारे जो दुख हाँ है, तुम्हें जो ऑप्रेस किया जा रहा है, वो चीज तुम्हें यूनाइट कर रही है। मतलब ये वाला आइडिया काफी अच्छा था कि मतलब मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी हाँ मम्मी के उससे, मतलब जितनी वुमेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस की गई है सबके उससे एक अलग अलग चीज, और उसमें दो मतलब जो लल्ला की मम्मी थी वो कितनी बोल्ड थी, उसने हर पॉइंट पे मतलब अपना स्टैंड उसने खुद लिया था, जो लैला हाँ की मम्मी थी, हाँ पॉइंट पे आके वो भी सफर कर रही है, वो किस लिए, अपने बच्चों की वजह से, मतलब हाँ उसके बच्चे मर गए थे, तो मतलब जितनी भी है सबको सफर करने ही मर गए हैं, मतलब और वही, हर हाँ अलग अलग उससे कर रही है, पर सब सेम स्टोरी है एट द एंड। हाँ और मतलब लैला की मम्मी से मुझे एक बात याद है। भाई मर जाते हैं, उसके बाद में काफी टाइम बाद जब वो नॉर्मल होने लगती है तो वो बोलती है कि तुम्हें तारिक के साथ नहीं घूमना चाहिए, है ना। तो उसके हाँ बाद में मरियम का वो कुछ है, एक पैराग्राफ है जिसमें बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने मना क्यों किया, पर प्रॉब्लम ये है लैला कि का, हाँ कि हाँ वो डिजर्व नहीं करती। उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि मैं वो कहाँ जा रही डिजर्व, हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, है ना। अगर पापा बोलते तो भी हाँ फिर तब भी मैं मान लेती कि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। हाँ तो वो चीज़ बहुत अच्छी मेरा थी एक ख्याल बच्चे के रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू से।
मुझे वहां पे वो गलत भी नहीं लगी, उसके बाद बिल्कुल सही थी, क्योंकि हाँ जब वो जो लड़का उसको परेशान कर रहा था उसको, हाँ मतलब रास्ता वास्ता रोक के, जब तारिक नहीं था वहां हाँ पर, तो उस टाइम भी तो उसकी मम्मी ने मतलब क्या कुछ नहीं रिएक्ट किया था, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात बिल्कुल सही थी, कि एक बच्चा हाँ कितना समझेगा कि बच्चे को तो वो केयर चाहिए ही चाहिए, और जब तुमने वो केयर नहीं दी तो अब तुम ऐसे उसको कह भी नहीं सकते। और हाँ, तो यही चीज मेरे को लगी थी कि एक 11 साल का बच्चा इतना मैच्योर कैसे हो सकता है। और वो है ना कि वो तारिक के घर पे जाके डिनर करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर पे जो है बातें होती हैं, है ना, और मेरे घर पे मम्मी पहले खाना खा के सो जाती हैं, पापा लेट आते हैं, तो खाके सो हमें, जाती है। हाँ, तो वो सारी हाँ, चीजें वो बहुत ही तो अच्छी तरह, कहीं ना कहीं ये जो एस्पेक्ट दिखाया गया है कि मतलब फैमिली के उससे बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो ये वाला एस्पेक्ट दिखाया गया है, ये भी मतलब काफी अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। हाँ। एक और चीज जो नोटिस करानी थी वो ये, मरियम की शादी हो रही होती है तो जो उस जलील की वाइफ होती है ना, उनमें से कोई भी अपोज नहीं करता, है ना, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी बेकार लगी, है ना, कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारी कम्युनिटी का कोई बंदा ऑपरेस हो रहा है, मतलब क्योंकि शायद बस दो ही फैमिली थी जहां पे थोड़ा ऑपरेशन कम था, है ना, एक तो वो मतलब बाबी वाली मतलब लैला वाली, और एक वो है ना जलील वाली, वहां पे लग रहा था कि वो कंट्रोल कर, मतलब उनका कंट्रोल है वो वहां पे, जलील वाली। हाँ, पर वो फिर भी जो है ना उससे बोलती रहती है कि 15 साल तो बहुत अच्छी एज है, पर उसे पता होता है कि उनकी खुद की बच्ची है, वो पढ़ने जा रही है, तो वहां पे मुझे लगा कि उन्हें एटलीस्ट, उनके लिए 15 साल की ये बिल्कुल सही। हाँ, तो वहां पे लगा मुझे कि एटलीस्ट उन्हें उस, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे रहने तो दो ही, है ना, उसे मतलब जब तक वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो शायद वो कुछ कर पाए अपने आप ही, है ना, तो वो चीज मुझे खराब लगी उस, मतलब उन लोग तीनों की जो वाइफ थी उसकी, हाँ, वहां पर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों ही नहीं चाहते थे कि वो वहां पर रहेंगे, हाँ क्योंकि वही, मतलब ये लाइन, उसमें ये लाइन भी तो थी कि वो मरियम बोलती तो है कि ये मेरे से बात क्यों करना चाहती है, और ये मुझे एक्सेप्ट भी क्यों नहीं करेंगी, मैं मतलब इनके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ उनके पति की गलती का, तो हाँ ये तो मुझसे हेट ही करेंगी। तो मुझे वहां पे वो तीनों लग रहा था कि वो तीनों चाहते ही हैं इसको भेजना, हाँ तो वो गलत और ये दिखाया बात तो ना उन्होंने, बहुत सही कही कि ये बात तो बहुत सही कही कि वो मतलब होता है बहुत सारी जगह पे वुमेन जो है वो बहुत सारी जगह पे कि हाँ वुमेन ही वुमेन का साथ नहीं देती है, औरतें नहीं देती हैं साथ हाँ और मतलब इस तरह से उनका माइंडसेट बना दिया गया है, इस तरह से उनके अंदर वो चीजें डाल दी गई है कि जितना आदमी ऑप्रेस नहीं करता उतना तो एक दूसरी औरत ही दूसरी औरत को करने लग जाता, और मेरे जलील पे तो इतना हाँ जिस तरह से उसने किया उनके साथ, कि मतलब वो पहले मेरे को लगा कि नहीं गलत तो था ही वो, मतलब जिस तरह से उसके साथ किया, जो मतलब मरियम और उसकी मम्मी के साथ की, ठीक है जब तक तुम्हारा मतलब था जब तक तुमने उनके साथ अच्छा रिलेशन रखा, और जैसे ही तुम्हारी गलती सामने आ गई तो तुमने घर से बाहर निकाल दिया दूर एक जंगल में, तो मतलब देखा जाए तो वहां पर उनके लिए घर नहीं बना रहा था, उनको कैद कर रहा था हाँ काफी, मतलब कहीं आना जाना ऐसी जगह पे था कि कहीं आ जा सकते थे नहीं, और खाना वाना भी वो खुद पहुंचा रहा था, तो इसलिए नहीं कि उसको उसको कहीं भी ये बात थी नहीं कि उसकी गलती है, मतलब उसको अपनी गलती भी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ पर ना ये चीज उसको कहीं रियलाइज नहीं हुई कि उसने उसकी मम्मी के साथ कितना बुरा किया, मतलब हाँ जब वो डिस्क्राइब करती है ना मरियम का बर्थ कैसे हुआ था, वो जो पेन उसने, मतलब हाँ कोई भी मर जाएगा, मतलब हाँ तो वो बोलती है ना, हाँ, कि और वही कि वो दो सारी चीजें बताती है यार वो, और हम उस टाइम सोच रहे थे कि ये कैरेक्टर नेगेटिव है, हाँ हाँ, और वो जो उसका मरियम वो जलील जो है वो कितनी कितनी सफाई के साथ अपनी हर गलती में पर्दा हाँ डाल के निकल जाते हैं, मतलब मरियम के सामने अपने आप को हर रिश्ते कितना, और एक लाइन है इसमें जब मरियम बोलती है कि मैं तुम्हें भगवान की तरह पूजती थी, तुम्हारा वेट करती थी, हाँ वो बहुत
मतलब एक हाँ बच्चे के उसमें, और वो भी जब वो वेट करती है उसके घर के बाहर पूरी रात भर, हाँ कितना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है। तो जब जाते वक्त वो बोलती है ना, इट्स मतलब इट एंड्स हेयर फॉर बोथ ऑफ अस। उस पॉइंट तक लग रहा था कि शी विल स्टैंड फॉर हरसेल्फ, हाँ बट उसने कहीं किया ही नहीं। हाँ यार, उसने बस कहीं एंड स्टैंड नहीं में किया किया, पर जब तक बहुत देर। यार, एंड में भी नहीं किया। देख मैं बताता हूँ एंड, हाँ वो एंड में जो है ना कन्वर्सेशन क्या है, उसमें वो बोलती है कि वो राशिद को छोड़ देगी अगर वो सिर्फ उसे मारे, है ना, पर उसकी आंखों में उसने देखा उन दोनों को मार देगा अच्छा वो, है ना, इसीलिए वो मारती है उसे। मतलब उसमें मैंने लिखा भी होगा शायद, मरियम किल्ड राशिद बिकॉज शी वोंट स्पेयर बोथ ऑफ देम, इफ ही वुड हैव स्पेयर्ड लैला देन शी वुड हैव ड्रॉप द शॉवल। तो वो दिखाता है कि वहां पे भी स्टैंड जो है उसने वो लैला को बचाने के लिए लिया है, अपने आप को बचाने के लिए नहीं लिया। तो वो चीज बहुत ही, हाँ, अपने आप। हाँ और एक और चीज हाँ कि जिस तरह से लैला और मरियम का जो रिलेशनशिप हाँ स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में मरियम नहीं पसंद करती थी लैला को, मतलब हाँ ठीक है नहीं, पर जिस तरह से धीरे धीरे उनकी जो बॉन्डिंग बनी, हाँ वो बॉन्डिंग तो अच्छी थी ही थी, पर हाँ उसका रीजन काफी आयरोनिक है। मतलब ऐसे नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी ही इस वजह से थी, क्योंकि उन दोनों का पेन सेम था। हाँ सफरिंग सेम मतलब है। पेन की वजह से वो जो बॉन्ड, हाँ हाँ वो उनका जो सफरिंग है उसकी वजह से उनका बॉन्ड, मतलब इतना स्ट्रांग एक दूसरे हाँ को, तब वो समझ पा रहे थे। हाँ तो बचाती है ना तो उसे वो, तब ये हाँ वो सोचती है कि पहली बार किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है ना, मुझे तो पता भी नहीं था ना कि मतलब हाँ अगर कोई मार रहा है तो मुझे रोकना है या बचना है ना। वो पहली बार मतलब लैला उसका बचना हाथ पकड़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि यार किसी ने मुझे बचाया, तो उसके बाद से वो रिलेशनशिप उनका वहां से स्टार्ट हो है, जाता बचा है। है वहां से शुरू होता है। और फिर जिस तरह से धीरे धीरे, मतलब वो एंड में उसको बचाने के लिए उसको मार देती है, वो हाँ वाली चीज। तो एक लाइन है उसकी, और हाँ बोल, बता लाइन बता। हाँ एक लाइन है जब वो मरियम उसे फांसी दे रहे होते हैं ना, तो उस टाइम एक लाइन है, तो वो हाँ बोलता है जो फांसी दे रहा होता है कि नील डाउन, है ना, तो उसके बाद लाइन है वन लास्ट टाइम मरियम डिड एज शी वॉज टोल्ड। का यार ये बहुत ही वन लास्ट ज्यादा, टाइम, मतलब हाँ हमेशा वही किया है पूरी उसने। लाइफ उसने वही करा, पूरी हाँ लाइफ उसने वही करा। मरियम बहुत हद तक जिम्मेदार थी अपनी हाँ सफरिंग्स के लिए, बहुत हद हाँ तक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ बहुत गलत हो हद रहा है, वो तक। सही है या कुछ भी है, पर उसे वहां से बाहर निकलने के लिए ट्राई तो करना ही चाहिए था, ट्राई हाँ, जरूर करना चाहिए था उसने कि यार। कोशिश नहीं हाँ वही प्रॉब्लम है। करी। और पता है, कहीं ना कहीं मरियम मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, पर जो अभी हमारे यहाँ आसपास की सोसाइटी का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको रिप्रेजेंट करती हाँ है वो हाँ मरियम। मतलब हाँ जो चीज बहुत सैड है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो है वो लैला की तरह उल्टा होना चाहिए था, कि लैला रिप्रेजेंट कर रही है हाँ अदिति को, पर मोस्टली जो है वो मरियम ने एक तरह देखा जाए तो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब कितने सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कहते और मरियम की वही तरह ही, मतलब हमने भी डिस्कस किया ना कि भाई उन लोगों को पता भी नहीं है ना कि अपोज करना है, वो प्रोटेस्ट का पता ही अपोज नहीं है। करना है। हाँ और ये तो एक, ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट था वुमेन ऑपरेशन जो दिखाया गया है, जिससे जो सक्सेस किया जाता है वो दिखाया गया है। और दूसरी चीज जो मुझे खालिद हुसैनी की बुक्स में लगी, इससे पहले जो काइट रनर पढ़ी थी, तो उसमें भी ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई गई थी। अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था, हाँ उस वॉर की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ था और वॉर के जो आउटकम थे, वो जिस नॉवल में दिखाए गए थे, इससे मतलब वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। किस हाँ तरह से मतलब जो लाइन्स हैं कुछ कुछ ऐसी जो हाँ वॉर के ऊपर दिखाई गई है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा ना डिस्टर्बिंग है, हाँ मतलब बहुत और डिस्टर्बिंग है। उससे एक और चीज वो आती है कि देख हम कितनी आसानी से बोल देते हैं ना हमारी कंट्री में, देख
कितना बड़ा वो है ना कि अरे आज ही लड़ाई करवा दो पाकिस्तान से, आज ही लड़ाई करवा दो चाइना से, है ना। पर उन लोगों को पता नहीं है कि जब लड़ाई होती है हाँ तो कितना कॉन्सिक्वेंस होते हैं, है ना। और जो तुम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, तुम नॉर्मल जो सिविल राइट्स होते हैं वो तुम खो देते हो, है ना। देख अफगानिस्तान में क्या हुआ, वहां पे वुमेन लोग राइट्स चले गए पूरी तरह, है ना। मतलब उसके पापा भी बोलते हैं कि हाँ सोवियत वो यूनियन तो का, कहते ही नहीं। हाँ सोवियत यूनियन के टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम पढ़ सकती हो, है ना। और फ्यूचर में जब वो सोवियत हाँ। यूनियन से देश आजाद हो जाएगा तो इस देश को तुम्हारी जरूरत होगी और तुम कुछ भी बन सकती हो, है ना। और तो वो दिखाता है कि भाई वॉर जो है बहुत ही ऐसी चीज है जिसे हम बहुत मजाक में बोल देते हैं, पर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं तुम सोच भी नहीं रहे हो, है ना। सोच भी नहीं रहे और हो। और इंडिया में तो हुआ वो भी है, कंसिक्वेंसेस जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला हाँ वो था ना, तो उनकी कोई स्पीच है, बहुत हाँ फेमस स्पीच है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो भी मतलब नॉर्मल सिटीजन से प्लीज कंट्रीब्यूट करिए ताकि सेना वहाँ पे लड़ सके, शायद कारगिल वाला है या फिर चाइना वाला जो था, कारगिल का होगा। हाँ हाँ है ना। तो वो दिखाता है हमें यहाँ। वही कि मतलब वॉर का जिस तरह से दिखाया गया और जिस तरह से लोग वॉर मतलब ठीक है हाँ कर दो पर उसके आउटकम्स बहुत भयानक हाँ है हर किसी ने अपना और कुछ खोया बहुत है उसमें। कुछ। इसमें एक लाइन है जो मैंने लिखी है मतलब जब वो कहती है कि हाँ वो जब मरियम देखती है उसके सारे फ्रेंड मरियम नहीं लैला हाँ जब उसके सारे फ्रेंड्स भी मतलब मर रहे हैं तो तब हाँ वो कहती है कि बट द फ्लिप साइड ऑफ बीइंग देयर वाज द एग्नी ऑफ वंडरिंग हु हैडन्ट। जब वो हाँ कहती मतलब कि तुम जिंदा तो हो हाँ मतलब क्या पर ही वो है। भी है कि कौन नहीं। और फिर उसमें वाले चीज से जो गिट्टी है उसकी डेथ जो दिखाई गई है हाँ वो कि उसकी मम्मी उसके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा हाँ कर रही कलेक्ट कर है रही है। और कुछ कहीं मिला हाँ कुछ कहीं मिला कुछ कहीं मिला और जो लैग है वो 2-3 दिन बाद किसी दूसरे छत पर हाँ मिला। 2 दिन तक मतलब कलेक्ट करते हैं। कितना हाँ कितना मतलब डिस्टर्बिंग है कितनी वर्ड्स का सारा लेकर के कितने अच्छे से मतलब वो डिस्क्राइब कर दिया उसने कि वॉर मतलब खेल नहीं है जो समझते हैं हाँ अरे अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जीते। है, हाँ एक चीज जो मुझे हाँ मतलब वॉर से उस टाइम भी याद आई थी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ना कि मतलब यूजली कि जो भगवान वाली चीजें जो उन्होंने लिखी है ना मैं पढ़ूँ एक बार, ताकि हाँ ताकि अच्छी अच्छा डिबेट कर पाऊँ मैं, है ना, कि नहीं है ठीक है। तो अच्छा हाँ मैं जो है ना हाँ वही तो उसका मैं पढ़ रहा था, महाभारत के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। तो उसमें ऐसा है कि कुछ 17 या 18 दिन में 15 या 16 लाख लोग मरते हैं महाभारत में, हाँ ठीक है। तो उस समय मेरे 17-18 दिन दिमाग, वो चलता है। हाँ, हाँ तो और 15 या 16 लाख लोग मरते हैं, तो उस समय मेरे दिमाग में आया था कि यार तुम भगवान हो, है हाँ ना, तुम्हारे पास मतलब यार ये चीज बहुत ही गलत है ना हाँ कि कोई तो मेथड निकालते, तुम्हें दिखाना था कि भाई ट्रुथ हमेशा जीतता है, हमेशा जो तुम गलत लोगों के साथ होते हो वो हमेशा हार जाते हैं, पर ये क्या तरीका है यार कि 16 लाख लोग मरवा दिए और तुम तो एंजॉय कर रहे हो, है ना। तुमने तो वो मतलब हाँ प्रॉपरली तुम्हारे लिए तो एक दोबारा ड्रामा है ना कि लोग मर रहे हैं, है ना, मेरी शरण में आ जाओ। वो बहुत ही मतलब ये प्रॉपर ह्यूमैनिटी हाँ है हम लोग कि हमारा पीएम बोल दे कि लड़ाई कर लो, है ना, उसी तरीके से तुमने ही बोल दिया कि लड़ हाँ लो, तो हमारा पीएम बोले तो फिर भी हमें समझ में आता है कि वो इंसान है ना, उसके पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा, पर तुम्हारे पास तो होना ही चाहिए यार। मतलब बहुत ही गलत है कि इतने सारे लोग मर जाते हैं, तुम सिर्फ एक चीज प्रूव करना चाह रहे हो कि भाई ट्रूथ हमेशा जीतता है ना। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि वहां पे ऐसा कुछ जीत पर गया, उसकी अगर कीमत भी तो देखो हाँ कि 16 लाख लोग मर गए और तुम प्रूव कर रहे हो कि भाई वो 5 जो लोग जिंदा है और वो जीत गए, तो कोई ऐसी जीत तो नहीं है फिर वो। वैसे आई एग्री विद दिस पॉइंट। हाँ ये और वाली चीज मतलब पहले एलेक्जेंडर द ग्रेट वाला भी है ना, याद है हमने स्कूल में पढ़ा था कि वो एक बार जीत जाता है उसके बाद में उसे रियलाइज हाँ होता है कि उसने क्या कर दिया है, हर तरफ बॉडी है, तो उसके क्या बाद कर वो दिया है। मतलब बुद्धिज्म की तरफ चला जाता है कि मुझे अब लड़ाई लड़नी ही नहीं हाँ है ना। तो वो यार उस इंसान को भी पता लड़नी चल गया कि भाई ये वॉर से कुछ नहीं होने वाला है और तुम पता नहीं क्या ही दिखा रहे तो हो। तुम तो भगवान थे।
हाँ वॉर वाली चीज, और जैसे वो तूने एक बार हम डिस्कस कर रहे थे सीता और राम के हाँ बारे में अभी, तो हाँ वो वहां पर भी कि ठीक है तुम भगवान थे, तुम्हारे पास इतनी पावर थी, तो तुम दूसरा तरीका निकाल सकते थे एग्जाम्पल करके, हाँ अपना सेम चीज यहाँ पे भी होती है हाँ तो यहाँ पे कितना ऑपरेशन है ना यार, देख साफ दिख रहा है ना। हम्म। और देख एक और चीज मैं मतलब यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तू देख जो उसका बेटा होता है ना, उसमें भी धीरे धीरे हाँ ट्रेट्स आने लगते हैं, है ना। जो नर्चर कर रहे हो वो कितना इम्पोर्टेंट है ना, जैसा तुम नर्चर करोगे मतलब, कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ कोई वो नहीं है मतलब कि जैसा तुम नर्चर करोगे वो बाद में वैसा ही बन जाएगा। और एक मोमेंट के बाद उस इंसान वो एक अलग इंसान है, उसके पास पूरा कंट्रोल है ना। तो वो सारी चीजें फिर तुमसे वो पूछेगा भी नहीं, है ना। आज तुम शायद रोक सकते हो और आज तुम बचा सकते हो, है ना। और एक इंसान के अराउंड यार बहुत सारी लाइफ होती है ना, तो वो सारी खराब हो जाती है अगर ये सारी चीजों को तुम रोको। हाँ अगर इन चीजों को सही से शो नहीं जो है कि हाँ अच्छे से मतलब एड्रेस नहीं किया गया है इन हाँ चीजों को तो। जब वो लैला मतलब प्रेग्नेंट होती है ना, और वो बोलती है कि एनेस्थीसिया नहीं है ना, तो उसके बाद ही वो बोल देती है कि यार मतलब तुम पेट काट दो, है ना भाई। वो इतना मतलब वो मैं सोच रहा था कि वो इधर आने वाला इंसिडेंट है ना मतलब समवेयर, और करेज भी कितना है कि उसने बोल दिया कि काट दो, है ना। और भाई डर भी तो लग रहा है यार। पता है इससे ज्यादा। हाँ और उसने एक्सप्लेन नहीं किया, हाँ वो कंप्लीट। उसने एक्सप्लेन नहीं किया मतलब खलीद हुसैनी ने बस थोड़ा सा ही बोल दिया कि मतलब ठीक है, और मरियम प्राउड है उस पे कि कितनी देर बाद वो चिल्लाई है ना, जब उसका पेट काटा जाता है तो वो, है ना। पर वो मुझे उम्मीद थी कि उसे वो थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था, ताकि मतलब कोई पढ़ रहा है तो उसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे, है ना। क्या होता है पेन हाँ ये वाली, मतलब मेरे ये वाला उसके कंपैरिजन में फिर भी मुझे ये वाला कम लगा, जो मरियम की माँ थी जब वो मतलब अकेली थी वहां पर, उसके पास हाँ कोई नहीं था, वो पानी मांगती थी, पानी देने के लिए भी कोई नहीं था, हाँ और वो एंड में उसने सीजर से वो जो नस होती है वो उसने खुद काटी, और हाँ वही 2 दिन 2 दिन उसने वो पेन मतलब वो करा, तो वो वाला इंसिडेंट मेरे को लगा था जो एकदम अंदर से मतलब हाँ फील हो रहा था कि ये क्या बहुत ही स्ट्रांग फील ही हो इंसिडेंट है रहा था, यार। मतलब वहां पे लग रहा था बहुत ज्यादा, मतलब उसमें कितना कुछ सफर करा, और वो उसे बताती भी तो है कि मतलब उसकी जो वाइफ्स हैं जलील की, तीनों वाइफ्स हाँ हैं, उसने मतलब उसने उससे मतलब ठंड हाँ में कपड़े तब तक धुलवाए जब तक उसकी मतलब फेस ब्लू नहीं हो गया और हाँ उंगलियां फ्रेश नहीं हो तो बहुत ही तो जो मैंने, हाँ जो मुझे सबसे ज्यादा लगा वो मुझे जो कैरेक्टर लगा वो मुझे मरियम की माँ लगी, हाँ मतलब उसका बहुत कम दिखाया गया था, पर वो हाँ कैरेक्टर था जो पूरे टाइम पूरी स्टोरी के टाइम मेरे दिमाग में रहा था, हाँ जो उसने सफर करा था शायद मरियम और लैला उसके सामने हाँ कम मतलब बहुत और कम था हाँ मैं एक और चीज ऐड इतना करता हूँ उसने सफर कर। कि देख उसने जो ना मतलब पूरी बुक में हाँ ना बीच बीच में वो स्टेटमेंट दी है कि सेक्रीफाइस ऑफ मदरहुड, है ना, वर्च्यू, और फिर वो डिसेंसी, जब वो ये कि लाइन तोड़ देती पहला है। सेक्रिफाइस तो हाँ तो जब वो लाइन तोड़ देती है ना मरियम, उसके लिए लाइन में लग रही होती है, आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो उसे मतलब अपनी मम्मी की याद आती है कि मेरी मम्मी मुझे फेंक सकती थी, है ना, पर उन्होंने सारा जो शेम है वो लिया और फिर भी मुझे पाला, है ना। तो वो सोचती है कि यार काश मुझे ये पहले पाला रियलाइज हो गया होता ना, नाउ सी फाइनली अंडरस्टूड द रियलाइज मदरहुड। तो वो बहुत ही बीच बीच में बहुत अच्छी तरह उसने वो दिया है कि सेक्रीफाइसेस ऑफ मदरहुड हो जो, गया था मतलब हाँ तो अच्छी अच्छी लाइंस थी वो। हाँ उसका सेंस दिया है। और हाँ और इसमें जब अभी मरियम की बात आई मदरहुड वाली बात आई, तो जब वो फर्स्ट टाइम उसको अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था तो 15 16 साल की बच्ची थी वो, हाँ यार और तब मतलब वो सारी चीजें फेल करना, मतलब उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, हाँ वो वही। कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कोई गलती नहीं थी। और वो सोचना 14 साल में यार मैं क्या ही कर रहा था भाई, मुझे डोरीमोन में फर्क मतलब वही सुपरमैन और डोरीमोन वाली बातें, है ना। और तुम मतलब दिमाग ही नहीं था ना। मतलब
हम तो भाई 11th और 12th में इतने मैच्योर नहीं थे, और ये भाई क्या ही मतलब। वही तो, इसलिए तो मुझे लैला की 11 साल की बच्ची की बातें उतनी मैच्योर लग रही थी, हाँ क्योंकि 11 साल में तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब क्या ही कहूँ हाँ वही तो। मैं। इसमें तो मेरे को मतलब वो लैला की जब बात आ रही है, तो लैला और तारिक का जो रिलेशनशिप जिस तरह से बिल्डअप हो रहा था हाँ 11 साल के बच्चे के हिसाब से, वो मुझे बहुत आगे लगा। मतलब क्या हाँ पता होता है 11 साल के बच्चे को, इतनी जल्दी नहीं होती हाँ देख है, तो पता है इसलिए मतलब शायद मेरे को वो इतना अनरियलिस्टिक लग रहा था। हाँ। और क्या है ना कि जैसे लैला वाला कैरेक्टर है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना उसके पापा वाली है ना, क्योंकि वो उसके पापा उसे बताते रहते हैं कि देखो हाँ वहां पे ये हुआ, वहां पे ये हुआ, तो वो सारी चीजें जो ना उसके थ्रू निकल रही है उस कैरेक्टर हाँ के थ्रू, कि वो मतलब अपने टीचर के पास जाके भी मतलब बोलते हैं ना रेवोल्यूशनरी गर्ल है ना, उसका नाम पड़ जाता है क्लास में भी, हाँ तो वहां पे उसके पापा का जो है ना बहुत बड़ा रोल है ना। और समाओ और कि तू देख रही है ना कि ओ, जो तारिक के पेरेंट्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि मतलब ये मतलब ये तारिक की फ्यूचर वाइफ है ना, मतलब कुछ डायलॉग्स हैं है ना जहाँ पे वो, तो वो हाँ और ये दिखाता भी है ना कि एक सोसाइटी जो इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव और इस तरह से घूम रही है, वहां पे एक ऐसा रिलेशनशिप निकल रहा है ना, तो वो एक अच्छी चीज भी हाँ है ना। और उसके मतलब जो मरियम है उसके पापा को भी पता होता है ना कि फ्लैश लाइट जलाते हैं वो है ना, तो वो फ्लैश लाइट वाला कितना बहुत ज्यादा इनोसेंट हाँ इनोसेंस टाइप भी दिखाया है उसने। वो काफी अच्छा हाँ था। हाँ ये काफी पॉजिटिव वाला था, मतलब एक रिलीफ टाइप से था इस फैमिली को हाँ देखना। और मतलब मेरे को एक चीज लगी थी, जिस तरह से लैला को अलग इंट्रोड्यूस करा, जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे ये चीज लग रही थी, जब एंड पे नहीं पहुंचे थे तब मुझे ये चीज लग रही थी कि मतलब ये क्यों दो तरह से स्टोरी बनती है। मरियम की स्टोरी तो हाँ खत्म करी नहीं है, नया कैरेक्टर हाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर जितने टाइम लैला की बात हो रही थी तो मरियम का तो सब भूल ही गए। हाँ मतलब हाँ मरियम का कहीं जिक्र नहीं था, बस बीच बीच में था भी, तो मतलब सारा फोकस लैला पे था, बीच हाँ ब्लू बेंज आती बीच है बस में वो। बस हल्का सा था रसिक। हाँ हाँ वो वाली चीज हाँ बस मुझे इस इंसिडेंट का भी लगा था कि बाद में, हाँ मुझे इस इंसिडेंट का लगा था कि बाद में कहीं जाके इसका कुछ तो हाँ एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ लिंक होगा। हाँ बहुत सारी जगह लगा कि इसका बाद में लिंक होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, और वो चीज वहां नहीं हुई। हाँ पर वो लास्ट में देते हैं वो जब बताते वॉल हैं। वाले जब डिस्कस कर रही थी, तो एक लाइन में वो डिस्कस करने वाली थी जो मतलब दिमाग से निकल गई, कि हाँ जो कहते हैं ना कि काबुल डॉग हु हैज डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर ह्यूमन मीट वुड बी, हाँ ये वाला मुझे लगा कि मतलब ये लाइन दिखाती है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे लोग हैं। मारे जा रहे थे। हाँ पर हाँ और ये तो ठीक है, है। वॉर में कोई भी एक पार्टी तो जीतेगी जीतेगी, कोई एक कंट्री हाँ जीतेगी, पर एट द एंड मरना तो दोनों साइड के वही थे। और हाँ सबसे ज्यादा बेकार जो मुझे लगा, मतलब सबसे ज्यादा जो मुझे लगा कि यार इतना सडन नहीं होना चाहिए था, जब लैला और उसके मम्मी पापा पैकिंग कर रहे थे, तो हाँ और फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। समहाउ जो है ना क्या हो गया था कि जब तक जो है ना वो पहला वाला जब उसकी मम्मी मर जाती है, तो जब वो उनका इंसिडेंट हो गया ना, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही खराब लिख रहा है यार, कि ये हर किसी को मार दे रहा है ना, ऐसी कैसे एंडिंग बना रहा है। तो होती है ना कि ऐसी एंडिंग तुम्हें वो नहीं अच्छी नहीं लगती कि यार ये ऐसे मार दे, मतलब कुछ स्टोरी क्रिएट करने के लिए तुम किसी को भी मार दे रहे हो है ना, कुछ अच्छा लिखो। तो उस टाइम तो मेरे दिमाग में ये चला हाँ था, गुस्सा आ रही थी मुझे। तो मतलब तब तो मुझे लग रहा था कि लैला भी मर गई, लग हाँ रहा था कि लैला और भी मर गई होगी, एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा है कि पर वो हवा फिर में जा रही है और उसे सब चीजें दिखनी बंद हो गई, फिर दोबारा दिखने लग हाँ जाती है। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपोजिशन दिया वो बहुत रेयर है, मतलब हाँ रेयर मिलता है। इसमें जो ना क्या है बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत ही ज्यादा यार मतलब सैड भी है और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग टाइप है, जैसे कि वो उसे ऑर्फनेज में छोड़ के आती है ना, अजिया को, जो ऑर्फनेज का वो मैनेजर होता है वो उससे पूछता है कि मतलब उसके फादर के बारे में बताओ,
तो उसकी एक लाइन है कि लैला हैड द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ टेलिंग अ लाई दैट वाज रियली द ट्रुथ, कि वो मर गया है तो वो कि वो लाई है पर वो रियली में तो ट्रुथ ही है, तो वो बहुत अच्छी तरह की यार ये तो रियली में तो ट्रुथ ही है। हाँ तो बहुत अच्छी तरह लिखा उसने। और हाँ ये चीज काफी ये सच में मतलब, और इसमें एक और चीज मेरे को लगी कि जो बहुत गलत किया राशिद ने, जो तारिक की डेथ के बारे में उसको बताया, मतलब तो कितना हाँ उसने प्लानिंग के साथ हाँ किया, कितना प्लानिंग के साथ किया। हाँ और फिर वो एंड में कहता भी रहता है, मतलब जब वो लैला होते मतलब गुस्सा होता है, जब वो लैला को काफी कुछ कह रहा था, कहता भी था कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें पता, मुझे पता नहीं होगा कि हाँ ये मतलब बेबी किसका है। तो और यार उसका लैला का स्ट्रगल कितना मुझे ज्यादा है भाई, कि वो जब उसे छोड़ी आती है तो वो 15 मिनट के लिए बस जाने देता लगा है। नहीं था कि वो छोड़ेगी उसको, हाँ मुझे पर नहीं लग रहा था, मतलब हाँ यार वो मुझे लग रहा था रोक ले रोक ले रोक ले, एडवर्सिटी भाई। एंड वो चली गई हाँ और वो कितना और भाई, वो रास्ते में उसे लोग देन मार, बेबी। रास्ते में उसे लोग मारते हैं, वो फिर गलियां बदल के जाती है ना, और वो भाई कितना हाँ सेक्रीफाइस, मतलब वो ही करेज जो है ना उसका, बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे कि कितना ही बुरा कर लो मैं तो भाई, मुझे जो करना है मैं तो करने वाली हूँ, है ना, वो वाली चीज जो है ना मुझे। वो करूंगी। और ये चीज जो उसको ये चीज मिली है, ये वाला जो एटीट्यूड उसको हाँ मिला, वो उसके हाँ उसका सारा क्रेडिट उसके पापा को जाते हैं, सारा हाँ वो क्रेडिट। मतलब ठीक है, लैला की लाइफ में जितनी भी मतलब बेकार चीजें आई हो, पर सबसे अच्छी चीज जो थी वो उसके पापा हाँ थे, और वो बचपन में आई ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो वो किसी भी बहुत एडवर्सिटी वाली ज्यादा सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार थी कि कोई बात नहीं, पापा ने तो सिखाया ही है था। कि हम तो कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं हाँ। वो। और पता है एक और चीज, ये जो पत्थर वाली बात तूने कही, तो इस समय को ये वाली चीज भी याद आई, जब मतलब उन लोगों ने फाइनली जब वॉर हो जाता है और वो लोग टेक ओवर कर लेते हैं, जो तो तब जो उन्होंने जो रूल्स बनाए थे कि हाँ मतलब वो रूल्स मतलब कितने कि ठीक है वहां तक ठीक था, वहां तक हाँ भी ठीक क्या था, नहीं था कि हाँ तुम ठीक तो भाई, अगर 5 टाइम प्रेयर करनी हाँ है, और अगर तुम्हें देखा गया मतलब, और ये वाली चीज की अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो तुम ऐसी हाँ जगह जाकर प्रेयर करो जहाँ तुम्हें कोई मुस्लिम ना देखे ना देख देख पाए सके। प्रेयर करते हुए। और जो वुमेन के लिए तो क्लियरली क्या रूल लिखे थे कि हाँ ऑल टाइम बुरखा में रहना है, बाहर जाओगे तो एक मैन तुम्हारे साथ होगा, हाँ और अगर एडल्ट्री का मतलब पाया गया, तुम्हें एडल्ट्री करते हुए पाया गया तो वो पत्थर से हाँ के आ जाए, मतलब कितना क्रूअल था। और साथ साथ लिखा होता कि मतलब वुमेन को कोई राइट नहीं है पढ़ने का, और हाँ मेकअप वगैरह कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ मतलब वो रूल्स ये नहीं था कि कोई उसने सोचे, वो रियली में हुआ था वहां हाँ पे, मतलब हाँ रियली में हुआ था। तो वो तो हमें पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वहां पे जिन लोगों के साथ ये चीज हुई होगी वो तो। अफगानिस्तान में तो यार बहुत ही ज्यादा हुआ है, मतलब 1960 से लेके और अभी भी, मतलब वहां पे अभी 15 दिन पहले ही की कुछ खबर है कि यूनिवर्सिटी में घुस के बहुत सारे बच्चों को मार दिया, तो वहां पे तो अभी भी बहुत ज्यादा टेररिज्म है। हाँ काफी। और वो मलाला यूसुफजई का भी तो मतलब यही था ना, उसका हाँ भी उसके उसका 3 गोली भी इसी मारी थी चीज के भाई। लिए करा था। हाँ हाँ कि वो लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते हाँ थे, तो मतलब कहीं ना कहीं स्टोरी एक फिक्शन नहीं है, मतलब हाँ बहुत बहुत सारी रियलिटी चीजें है। हैं रियली में कहीं ना कहीं हुई है। हाँ उन सारे इंसिडेंट को इकट्ठा करके ये स्टोरी बनाई गई है। हाँ और देख मतलब वही कि उसके पापा का कितना ज्यादा इम्पैक्ट था कि वो लास्ट में जब पाकिस्तान चली भी जाती है तो उसके बाद भी वो वापस आती है ना, कि वो चाहती है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ, है ना, तो वो लिटरली शो करता है कि भाई उसे मतलब कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड किसी ने डाला ही है ना वो, कि तुम्हें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना जो चाहिए, है परवरिश ना। उसको मिली हाँ वही कि जो उसके स्टार्टिंग वाले थॉट्स हैं उन थॉट्स की वजह से ही वो जो इतने स्ट्रांग हुए हैं, तभी वो वापस आ पाती है और वो स्टार्ट करती है, और वो फोटो छपता है ना तो याद करती है वो अपने दोस्तों को,
जब वो ऑर्फनेज चला रहे होते तो याद करती कि आज वो खुश होते हैं ना, कि फ्रंट पेज पे नहीं है पर कोई बात नहीं, पर होते हैं। हाँ कहीं तो है। हाँ वो वाली लाइन जो, हाँ हाँ जो वो वहां पे उसके फ्रेंड्स ने बोली थी, तो वो इस तरह से दिखाई गई है, स्ट्रॉन्ग है। और वो उसकी उसकी मम्मी स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, मतलब स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में भी दिखाया गया है जब वो मरियम छोटी थी और जब वहां पे पानी वानी भरने जाती है कुएं में, जब उसका फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं, एक ही वीक हुआ होता है मरियम की शादी को, वहां पर जब वो लोनली मतलब जितना लोन फील करती है ना, कि मतलब भाग हाँ रही है हर दरवाजा खटखटा रही है, उसको अपना हाँ ही गेट नहीं मिल रहा था, हाँ और फिर जब उसको अपना गेट मिल रहा है तो तब वो कहती है, तब भी एक लाइन थी कि वो काफी सबसे ज्यादा लोन वो उसी टाइम पे फील करती हाँ है। और वो कितना डरावना भी है ना, कि तुम इमेजिन करके देखो कि अगर तुम सब कुछ खो दो है ना, हाँ और तुम अकेले जिंदा हो ना, मतलब इट्स लाइक तुम क्या ही, मतलब कोई है ही नहीं, है ना। मरियम वाले केस में तो ऐसा ही हो गया ना कि कोई है ही नहीं, है ना। ऐसे समवेयर ही किया लैला था के कुछ, पास मतलब अजीजा पैदा हो जाती है, उससे पहले उसके दिमाग में होता है कि और वो तारिक तारिक से। तारिक भी हाँ है, तो मरियम के साथ तो ऐसा हाँ कुछ है ही नहीं। मरियम के साथ इतना नहीं है, जो उसको ओनली मम्मी भी रिलेशन अच्छी मिली उसे थी। अच्छा वाला रिलेशन मिलता है वो वही अजिया के साथ, की इन ऑल फॉल्स रिलेशनशिप सी फाइनली फाउंड वन। तो अजीजा के साथ जो ये लाइन रिलेशन, काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ वो तो वो बहुत अच्छा था। हाँ और फिर वहां पर भी तो जब मरियम की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो जब वो उसने फर्स्ट टाइम मदरहुड को एक्सपीरियंस किया था, तो तब हाँ वो जिस तरह से मतलब तब एक नहीं एक पॉइंट था वो, तब जब उसके अंदर एक हाँ होप आई थी थोड़ी मतलब खुश होती है वो। जीने के लिए, थोड़ी हाँ खुश होती है, और वो सारी चीजें देखने में सुन पढ़ने में कितनी मतलब बहुत सैड सैड क्लोनी हाँ या बहुत डिस्टर्बिंग लगती है, कि हाँ वो जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, वो उस चीज के लिए अपने आप को कोस रही है जो उसके हाँ कंट्रोल में नहीं है, उस चीज को ना होने का गम बना रही है। मतलब हाँ वो उसकी गलती थोड़ी थी, वो इतनी छोटी थी तो हाँ और वो बोलती भी है कि बात। शायद मैं अच्छी बेटी नहीं थी, इस वजह से ये मेरे साथ हो रहा है ना। तो हाँ जब वो मतलब मर जाता है, और जब वो डिसाइड करती है कि मतलब मैं अपने बेटे को इस तरह से बेटा ही मानती है, हाँ उसको इस तरह से जाने नहीं दे सकती, जब एक वीक बाद अपने पति से पूछती है कि हम इसका अंतिम हाँ संस्कार तो अच्छे से कर दें। हाँ सैड तो बहुत ज्यादा है। अब पता है जब बुक खत्म होती है तो उसमें लास्ट लाइन, लास्ट की 4-5 लाइनें है ना, हाँ लैला जब प्रेग्नेंट हो रही होती है तो शायद वो तीनों लोग नाम सोचते हैं ना, वो एक कोई जैक सोचता है या कोई और सोचता है, ऐसे तीन नाम सोचते हैं, तो तीनों नाम मेल होते हैं। तो उसने लास्ट एंडिंग में जो स्टेटमेंट होते लिख, या हैं। लास्ट एंडिंग का स्टेटमेंट है, बिकॉज इफ इट इज अ गर्ल लैला हैज ऑलरेडी नेम्ड हर, है ना। तो उसके बाद मैंने सोचा था क्या नाम रखती, तो फिर मुझे याद आता है कि वो मरियम नाम रखती अगर वो लड़की होगी तो। लड़की होगी हाँ और तो। एक और जैक से मुझे याद आया कि वो टाइटैनिक जब चल रही होती है तो मतलब लैला बोलती है मरियम से कि सब लोगों को एक जैक चाहिए जो उन्हें बचा सके, पर कोई जैक खुद बनना नहीं चाहता, है ना। और जैक ये तो लाइन बहुत स्ट्रांग थी, हाँ वो बोलती है कि जैक तो मर चुका है ना, वो मतलब एक तरह से तारिक के बारे में बात कर रही जैक होती तो है। मर चुका है, मतलब हाँ ये वाली बात बहुत सही थी, मतलब सब मेल जो वुमेन है मेनली वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें कोई बचाने वाला आ रहा है, हाँ मतलब वही होता है स्टोरीज में भी ये चीज होती है कि कोई ना कोई मेल कैरेक्टर होता है हाँ जो रेस्क्यू करता है, हाँ तो हमें हमेशा सिखाया ये ही ऐसे गया है एक्सपेक्ट ना, वो बचपन से ही डाल दिया ना तुमने, अगर तुम नहीं डालोगे तो यार कुछ मतलब एट द एंड ह्यूमन है ना, तो उसे पता है भाई तुम, है ना भाई, एट द एंड उसकी बायोलॉजी, उसे एड्रेनलिन रिलीज होगा तो भाई वो भाग जाएगा, वो लड़ लेगा, वो खून भी कर देगा, पर तुम उसे बता ही नहीं रहे, तो वो चीज तो है। वही ना हाथी को कि बांध के और रखा और स्टार्टिंग में हाँ वो कितना ही ट्राई करता है, और फिर वो बाद में जब उसे बड़ा हो कोशिश जाता है वो करी ट्राई ही नहीं करता है, वो ट्राई नहीं करता, तो वही है। तो मतलब हाँ तो वही वाली चीज जो, हाँ जिस तरह से इसके थ्रू इसने प्रेजेंट करी थी, ये काफी पावरफुल मैसेज है जो ये वाली लाइन ये कहती है ना, कि जैक तो मर चुका है सबको, ये जो दोनों पॉइंट आउट किया ये बहुत अच्छी
नहीं एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब लास्ट में कि इससे दो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम सीख सकते हो या जो दो चीज जो तुम अप्लाई कर सकते हो, पहली चीज तो यही कि अगर तुम्हारे आसपास मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ऑपरेशन बहुत ज्यादा था है ना, उस लेवल का शायद तुम ना देखो है ना, अगर तुम अगर कोई वीडियो देखेगा तो नहीं देख रहा है क्योंकि वो ऐसी जगह रह रहा है कि इंटरनेट अवेलेबल है बहुत सारी चीज। हाँ, अवेलेबल पर अगर उस टाइम भी अगर तुम्हें थोड़ा भी डिफरेंस लगता है तो शायद अगर तुम इतनी अच्छी जगह हो तो तुम आवाज उठा सकते हो और तुम शायद चेंज भी कर सकते हो उस चीज को, है ना। और दूसरी चीज की भाई वॉर जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, तो हर बात पे वॉर ना बोला जाए। वार मत करो, हाँ, क्योंकि बहुत लोग मरते हैं और रियली में बहुत लोग मरते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्लोजली वॉर को रीडर के बहुत क्लोज लाया गया है। और एक और चीज जो एंड में मैं ऐड करना चाहूंगी, लैला के कैरेक्टर से, मतलब मरियम और लैला के कैरेक्टर से एक चीज हम वो कर सकते हैं कि अपनी लड़ाई खुद चुनो, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, जो मरियम ने कहीं नहीं लिया। हाँ। और पूरी बुक में, मतलब मरियम को मैं जब भी याद करूंगी या मरियम की जब भी बात आएगी तो मेरी उससे यही चीज रहेगी, एक शिकायत टाइप या एक कि नहीं ये होना चाहिए था, ये चीज लगेगी कि मरियम को अपना स्टैंड लेना चाहिए था, पर ये हम वाली हमें चीज हमेशा मरियम से हाँ रिलेटेड। हम हमेशा जो ना सोसाइटी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, हम हमेशा सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं ना। कि यूजली क्या होता है ना, जो भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं ना, उनका आंसर जो है ना वो होता है एवोल्यूशन। ठीक है, कि तुम स्टार्ट अच्छा करो वहां से कि वो शुरू क्यों हुआ है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। जैसे मैं पॉलीगैमी वाला सोच रहा था है ना, तो जैसे तूने बताया था तो मैंने पढ़ा तो पॉलीगैमी के बाद आया मोनोगैमी है ना। तो स्टार्टिंग में एवोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई खाना मिल जाए और जीन्स पास हो जाए। ठीक है, अब वो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा पास होंगे जीन्स। ठीक है, पर क्या हुआ कि धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू हमें रियलाइज होने लग गया कि अगर एक ही फैमिली हो या मतलब एक फीमेल और एक ही मेल हो तो वो बच्चे को ज्यादा अच्छी तरह नर्चर कर पा रहे हैं, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट हम मोनोगामी वाला लेके आए कि अगर मतलब सिर्फ एक फैमिली होगी तो उस बच्चे को ज्यादा नर्चर मिलेगा और उन जीन्स को सर्वाइवल के ज्यादा चांस होंगे। वहीं अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत बड़ी फैमिली होती है तो सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। हुसैनी को पढ़ के हमेशा ऐसा लगता है अफगानिस्तान बहुत हाँ क्लोजली पहुंच गए वॉर वाली चीजें।